गुड इवनिंग गाइज, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वर्ल्ड। एक चीज़ नोटिस करी आपने, सोशल मीडिया पर जो इस टाइम हद से ज्यादा ट्रेंड है, आप करते नहीं, हर बार करवानी पड़ती। चलिए भाई, सबसे पहले पिक्चर विदाउट टाइम वेस्ट किए ये देखते हैं। आप कहेंगे ये कैटरीना कैफ कहां से आ गई। कैटरीना कैफ मौजूद है। अब मैं आपको इससे अगला तस्वीर दिखा देना चाहूंगा, वो है ये, यानी कि करीना कपूर। आप जानते हैं, बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। थर्ड पिक्चर हम देखते हैं वो है ये है आलिया भट्ट, जो हाल ही में नई नवेली दुल्हन बनी है, यानी कि इनके सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत सारे वायरल रहे। इनका शादी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड रहा रणबीर कपूर के साथ में। हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं इनकी जोड़ी ताउम्र तक सलामत रहे। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है ये। अब आप कहेंगे कि भाई ये दिखाने का एक्चुअल में मकसद क्या है, ज़रा वो भी समझ लीजिए। सीन ये है, ये जो मैंने आपको कैटरीना की पिक्चर दिखाई है, करीना की पिक्चर दिखाई है, आलिया भट्ट की पिक्चर दिखाई है और फिर शहनाज गिल की पिक्चर दिखाई है, ये चारों ड्रेस मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन की। आपने शहनाज गिल वाली देख ली होगी कि मनीष मल्होत्रा के डिजाइन किए हुए कपड़े शहनाज गिल ने पहने हुए थे बिग बॉस सीजन 15 में, जो बहुत ज्यादा ट्रेंड रहा था। अब दरअसल मैं आपको बता देना चाहूंगा, कैटरीना ने ये ड्रेस पहनी, कोई ट्रेंड नहीं, कुछ नहीं, बस ड्रेस पहनी, पिक्चर जो वायरल रही सोशल मीडिया पर, मैं ऐसा नहीं कहूंगा वायरल नहीं हुई। उसके बाद अगर हम देखें रणबीर कपूर की शादी में करीना कपूर ने ये ड्रेस पहना हुआ, हालांकि सोशल मीडिया पर ये भी वायरल रही, मगर इनकी ड्रेस को लेकर के कुछ भी चर्चा नहीं की गई, ना ही मनीष मल्होत्रा का नाम सामने आया। आलिया भट्ट ने अब से कुछ टाइम पहले ये वाला ड्रेस पहना था, ये भी मनीष मल्होत्रा का, इस ड्रेस को भी नहीं ट्रेंड किया गया, यानी कि आलिया भट्ट नहीं ट्रेंड हुई इतनी ज्यादा। मगर हमारी शहनाज जैसे ही बिग बॉस सीजन 15 में ये ड्रेस पहन के आई, वैसे ही सोशल मीडिया पर आंधी तूफान सब मच गए भाई, और फिर उसमें मनीष मल्होत्रा का भी नाम निकल कर सामने आया। आपको याद होगा मनीष मल्होत्रा सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर हैंडल पर ट्रेंड भी हो रहे थे, शहनाज गिल की इस ड्रेस को लेकर मनीष मल्होत्रा ट्रेंड हो रहे थे। उन्होंने खुद अपनी स्टोरी में ये रिएक्शन शेयर किया था कि भाई ऐसा मेरे साथ में पहले कभी तो हुआ नहीं जो इस बार हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मगर एक्चुअल में रीज़न वही था कि शहनाज ने मनीष मल्होत्रा की डिज़ाइन ड्रेस पहनी हुई थी। जब ये बात सोशल मीडिया पर निकल कर सामने आई तो मनीष मल्होत्रा का नाम ट्विटर पर लेके आया गया, और फिर उस बात से मनीष हद से ज़्यादा हैरान रहेगा कि एक्चुअल में ये क्या हुआ है भाई। तो ये है हमारी शहनाज गिल का जलवा। अब मुझे यहाँ कुछ बोलने या फिर कुछ सुनाने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ गए होंगे। कैटरीना हो या फिर करीना हो या फिर आलिया भट्ट हो या और कोई अदर एक्ट्रेस क्यों ना हो, सबके रिकॉर्ड शहनाज ने ब्रेक किए हुए। इस बात को हेटर्स को भी मानना पड़ेगा, जो आज कहते हैं फेक नाज के नारे लगाते हैं ना, इनके फेक नाज के नारे ज्यादा दिन तक टिकेंगे नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है ये जो मुंह से लोग अपनी गंदगी निकालते हैं ना, वो एक्चुअल में आप सामने वाले को नहीं कह रहे हो, वो सामने वाले को नहीं कह रहे हो, आप अपना नेचर दिखा रहे हो कि आप किस नेचर के हो। आप जितने कमेंट्स करने हैं, जो बोलना है भाई बोल लो। शहनाज ने सबके रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं, इतिहास गवाह है। इतिहास अगर गवाह होता है तो वहाँ पर कोई एक सिंगल पर्सन, सिंगल शख्स झुठला नहीं सकता। और हाल ही में शहनाज गिल अभी आने वाले टाइम में सलमान खान के साथ में भी काम करेंगी, ऐसे अभी हम तुम्हारे साथ अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, सपने देख रहे हैं ना, और ये सच भी कितनी जल्दी होगा। मुंह से निकली हुई बात कहा सच हो जाती है, ट्रस्ट के मुंह पे ताना पड़ता है, फिर शांत होकर बैठ जाते हैं, फिर कुछ टाइम बाद निकल के आते हैं कोई ना कोई नया मुद्दा लेके। मानो कि तुम्हारा बिग बॉस जीरो चल रहा हो अभी तक। कुल मिला के शहनाज ने सभी के रिकॉर्ड ब्रेक किए हुए हैं। पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा सभी शहनाजियंस में, सभी सिडनाजियंस में, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइएगा।